वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कतर 2022 वर्ल्ड कप के अंदर इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। टुगेदर विद चाइना, पाकिस्तान इज सप्लाइंग सॉकर बॉल टू बी यूज्ड इन फोर्थ कमिंग मेगा इवेंट्स। इस वर्ल्ड कप फुटबॉल में नाम अल रिहा एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब जर्नी का है। ये ऑफिशियल मैच बॉल 2022 वर्ल्ड कप के लिए सियालकोट बेस कंपनी है जो कि फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी ने इससे पहले जर्मन बंडसलीगा, फ्रेंच लीग और चैंपियंस लीग जैसे बड़े इवेंट्स के लिए भी फुटबॉल फराहम किए हैं और अब इस मेगा इवेंट्स के लिए अरिहा के नाम से फुटबॉल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। आपको ये जान के खुशी होगी कि इस कंपनी ने इससे पहले 2014 जो कि वर्ल्ड कप ब्राज़ील के अंदर मुनाकिद हुआ था और 2018 जो कि रशिया के अंदर मुनाकिद हुआ था उसके अंदर भी अपने फुटबॉल्स जो थे वो फ्राहम किए थे। द कंट्री अर्न्स 1 बिलियन एनुअली फ्रॉम स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग $350 मिलियन टू $500 मिलियन फ्रॉम फुटबॉल अलोन। ये फुटबॉल टेक्निकली थर्मो बॉन्डेड बॉल के नाम से ये यूज़ किया गया है जो कि पहली दफ़ा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 वर्ल्ड कप। और अगर 1990 और 2010 की बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान ने भी हाथ से बने हुए हैंड स्टिच सॉकर बॉल्स जो थे वो भी वर्ल्ड कप के लिए प्रोवाइड किए थे। थर्मो बॉन्डेड बॉल ये वो टेक्नोलॉजी थी या वो पैनल्स थे जो कि हीट के ज़रिए ये जो थे वो बनाए जाते थे और ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो कि एडिडॉस ने सियालकोट बेस्ड कंपनी जो थी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स को 2013 के अंदर ये जो थी वो मुनक्कद की थी, फ्राहम की थी।